प्रिय विद्यार्थियों वंदे मातरम। ग्रेड थर्ड यानी कि रीट मुख्य परीक्षा अब चंद ही लम्हों की दूरी पर है। ऐसे में दबाव स्वाभाविक है और दबाव का निराकरण करने के लिए मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था, आपसे ढेर सारी चर्चा की और आपसे ये आग्रह किया कि अपने इष्ट देव या देवी का चित्र अपने स्टडी टेबल के समक्ष लगाएं और इसके अतिरिक्त अपने माता पिता के चित्र को भी उसकी बगल में स्थान दें। मैं मानकर चलता हूं कि अब दबाव पूरी तरह से आपके सिर से हट चुका होगा, आत्मबल बढ़ चुका होगा, क्योंकि आपके पास आपके इष्ट का आशीर्वाद है, माता पिता की शुभकामनाएं हैं। अब जब मैं आज उस वीडियो के नीचे कमेंट्स को पढ़ रहा था तो ढेर सारे कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए। श्री रणवीर बिट्टू, श्री कमल राव, रजनी बहन ने लिखा है कि सर सेमिनार का आयोजन कीजिए ताकि आपसे प्रत्यक्ष मुखातिब होकर बातचीत कर सके। ठीक है, जल्दी ही हम इस ग्रेड थर्ड की एक स्पेशल सेमिनार का आयोजन करेंगे जहां पर प्रत्यक्ष आमने सामने चर्चा की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कमेंट मुझे लगा श्री भंवरा राम का। श्री भंवरा राम लिखते हैं कि पाठ्यक्रम अत्यधिक है जिस कारण प्रत्येक विद्यार्थी दबाव का अनुभव कर रहा है, आपके मोटिवेशन से दबाव चकनाचूर हो गया। धन्यवाद भंवरा राम जी, मुझे आपके इस कमेंट से जब आपने लिखा कि पाठ्यक्रम अत्यधिक है तो कुछ पुरानी यादें जो है ताजा हो गई, अपनी एक गलती की ओर मेरा ध्यान गया। गलती ये थी कि 1991 का बरस था, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बस शुरू ही की थी और जब परीक्षा आती थी तो पाठ्यक्रम को तो हम एक साइड में रख देते थे और ये लगता था कि ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल बिखरे हुए तरीके से पढ़ने लगते थे क्योंकि उस समय इतना पर्याप्त मार्गदर्शन भी नहीं था, ये दिन नहीं थे जो वर्तमान में चल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता था जिसमें तीन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मैं इसे खजाने तक पहुंचने की कुंजी मानता हूं, सफलता का रास्ता मानता हूं। आपने अपने इष्ट का चित्र लगाया, अपने माता पिता का चित्र अपनी स्टडी टेबल के सामने लगाया, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कंडक्टिंग एजेंसी की साइट से अपने लक्ष्य का, अपने पेपर का पाठ्यक्रम निकलवाएं और उस पाठ्यक्रम को भी अपने इष्ट और माता पिता के चित्र के साथ बगल में स्थान दे दें। पाठ्यक्रम से इतर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, यहां एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जब पेपर काफी दूरी पर होता है उस समय हम लोग एक पिलर प्रोसेस करते हैं। मैं आश्रम की विधि आपको बता रहा हूं, पिलर प्रोसेस में हम लोग पाठ्यक्रम से इतर भी कुछ चीजें पढ़ते हैं। पिलर, आप जानते हैं कि इमारत को मजबूती देने के लिए उसमें पिलर्स लगाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से अध्ययन को मजबूती देने के लिए भी कुछ अतिरिक्त चीजें पढ़ी जाती हैं। लेकिन जब पेपर बिल्कुल पास आ जाए तो आपको क्या करना है कि अपनी कमजोर कड़ी को ढूंढना है, कमजोर कड़ी को ढूंढना है और कमजोर कड़ी को ढूंढने के बाद आपने उस कमजोर कड़ी को मजबूत बनाना है। इस बात पर आप ध्यान रखें। अब हर बच्चे की, हर विद्यार्थी की अपनी अपनी कमजोर कड़ियां होती हैं। पाठ्यक्रम आपकी स्टडी टेबल के आगे चिपका हुआ है, अब आप देखते जाएं कि हाँ ये टॉपिक मेरा बिल्कुल ओके है, ये टॉपिक भी ओके है, ये टॉपिक भी ओके है, हाँ ये बिंदु जो है
थोड़ा सा कमजोर है, तो उस कमजोर कड़ी को मजबूत बनाएं, उस कमजोर कड़ी पर ध्यान कंसंट्रेट करें और पाठ्यक्रम को फैला ना दें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलें, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। तो वीडियो में हम लोग मिलते रहेंगे, उत्साह बनाए रखिए, सफलता निश्चित है। अपनी कमजोर कड़ी को मजबूत बनाइए और आत्मबल के साथ, उत्साह के साथ, शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ जुट जाइए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।